कंगना रनौत के शो लॉकअप में पूनम पांडे ने हिस्सा लिया है। एक कंटेस्टेंट के तौर पर वो बहुत बेहतरीन खेल रही हैं। इसके साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी से जुड़े बहुत सारे राज भी खोल रही हैं, जिनमें उनके पति यानी कि उनके हस्बैंड एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे के बारे में भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है कि किस तरह से उनकी बॉन्डिंग रही है और किस तरह से वो उन्हें पूरी तरह से मारते थे और उनके दिमाग में कई बार सुइसाइड के भी ख्याल आया करते थे। उन्होंने कहा, ये जेल, ये खाना और मेरी नींद मेरे लिए किसी लग्जरी से कम नहीं। मैं 4 सालों तक एक रिलेशनशिप में रही, लेकिन उन 4 सालों में मैं कभी सो नहीं पाई, कभी खा नहीं पाई, कई कई दिनों तक मैं खाती नहीं थी, मैं मार खाती थी। मुझे मेरे बेडरूम में बंद कर दिया जाता, मेरा फ़ोन तोड़ दिया जाता ताकि मैं कोई कॉल ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता कि मैं खुद को मार लूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा खुद को मारने की कोशिश की। कुत्ते की तरह मारता है ना, कुत्ते की तरह। एक्ट्रेस ने ये भी कहा, मैं जिंदा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुकी हूँ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इन चीज़ों से होकर गुजरते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, छोड़ दीजिए, ऐसे रिश्तों को मत घसीटिए, जीवन बहुत कीमती है, कृपया इसका सम्मान करें। पूनम पांडे काफी समय से सैम बॉम्बे के साथ रिलेशनशिप में रही और सितंबर 2020 में उन्होंने उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद ही पूनम ने सैम के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया और लोगों को यह खबर बहुत शॉकिंग लगी, क्योंकि शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था और पूनम अपनी बोल्डनेस की वजह से हमेशा में चर्चा में रही। कंगना के शो लॉकअप में एंटर कर उन्होंने खुद को एक नया मौका दिया है। वेल, पूनम पांडे ने अपनी शादी को लेकर जो कुछ भी कहा, आप किसके बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप, साझा कीजिएगा हमारे साथ। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।